आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं मंजरी आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज के किसी खास खबर पर। पोटका प्रखंड में सबल परिवारों के लिए डाकिया योजना चलाई जा रही है। इस योजना में कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि योजना में हेराफेरी हुई है। मामले की सत्यता की जांच के लिए आरपी भारत मीडिया की टीम जब सबरों के बहुल क्षेत्र सबर नगर, जो जमीन से 500 फीट की ऊंचाई पर निवास करते हैं, उन परिवारों से जाकर मिले तो उनके जीवन को देखकर दंग रह गए। आखिर इस अंतिम व्यक्ति के अनाज में किसने डाका डाला? वास्तविकता की जांच के लिए जब सबर परिवारों से आरपी भारत मीडिया की टीम मिली तो उनका कहना था कि चावल तो मिलता है, मगर इन सबर परिवारों को केरोसिन तेल, चीनी, नमक, दाल, चना आदि नहीं मिलता। आखिर क्यों सबर के नाम पर उठाव होता है? चीनी, नमक, दाल आदि को कौन खा रहा है? मामले के संबंध में बता दें कि 2016 से तत्कालीन खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने एक आदेश जारी करते हुए सबर के अनाज की कालाबाजारी को रोकने के लिए सबर तक अनाज सही मात्रा में पहुंचे, इसको लेकर सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को इसका लाइसेंस देकर डीलर बना दिया गया, ताकि इस पर जो सवाल खड़े होते हैं उसे रोका जा सके, मगर ऐसा हुआ नहीं। पोटका में पदाधिकारियों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई और इस डाकिया योजना में चावल, केरोसिन आदि का उठाव प्रति माह होता रहा। सिर्फ और सिर्फ इन सबर परिवारों को मिला तो चावल, बाकी वस्तुएं इन सबर परिवारों को नहीं मिल पाई, इसके लिए जिम्मेवार कौन? वहीं दूसरी ओर 2016 से 564 राशन कार्ड कर रहे थे, जो जून 2019 में 136 राशन कार्ड अचानक से काट दिए गए। वजह क्या थी? 136 सबर परिवार गए तो कहां गए? 136 सबर परिवार गए तो कहां गए कि जिनकी रिपोर्ट पर इन सारे राशन कार्ड को डिलीट किया गया। मामला गंभीर है, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सबल परिवारों का कहना है कि चना दाल का वितरण नहीं हुआ, साथ ही साथ कभी भी केरोसिन तेल और नियमित रूप से चीनी का वितरण नहीं हुआ। उठाव करने के बाद वस्तुओं का क्या हुआ, यह जांच का विषय है। आखिर सबल परिवारों के चावल के अलावा अन्य वस्तुओं को कौन डकार रखा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। जिला प्रशासन को चाहिए कि मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित कर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में नवंबर महीने का राशन वितरण हो, ताकि सही तरीके से सबर परिवारों को पहचान हो सके और उनकी सारी वस्तुएं उनको उपलब्ध हो सके। जमशेदपुर से शिवशंकर साह की रिपोर्ट। पोटका में आदिम जनजाति परिवारों की क्या स्थिति है, इसको जानने के लिए मैं सबर नगर में हूँ। यहाँ से मैं जीरो ग्राउंड पर रिपोर्ट दे रहा हूं कि आज क्या स्थिति है सबरों की, सरकारी योजनाएं इन तक पहुंच पा रही है कि नहीं, इनकी जानकारी के लिए मैं आइए बात करते हैं राजेश सबर से। राशन कार्ड से क्या क्या मिलता है? राशन कार्ड से चावल मिलता है, चना तो 2 महीना में लेते हैं और नहीं मिलता, और राशन भी नहीं मिलता है, नमक भी नहीं मिलता है, चीनी भी नहीं मिलता है, और हम लोगों का वही स्थिति है। रोजी रोजगार के लिए क्या करते हैं आप? रोजी रोजगार हम लोग जंगल जाते हैं, जंगल से लकड़ी लेते हैं सूखा वाला, तो इससे हम लोग का परिवार चलता है। खेती के लिए भारत सेवा आश्रम? खेती से भारत सेवा आश्रम से हम लोग सोबन नगर से 2 ट्रैक्टर निकल रहे हैं सोबन नाम से, और उसके बाद हम लोग सोबन का चास वर्ष था, अभी तो चास भी नहीं कर रहे हैं। चास करने के लिए तो 100 रुपये करके तो पैसा ले रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग को कहाँ से मिलेंगे पैसा, हम 100 रुपये दे देंगे तो इसीलिए हम लोग पैसा भी नहीं देंगे और चास भी नहीं करेंगे, ऐसे रहेंगे हम लोग। जंगल जाएंगे, जंगल जितना हम मतलब लाभ पाएंगे उतना हम परिवार को हम देखभाल करेंगे। कोई चावल मिलता और कुछ नहीं, चावल दाल भी चना भी कुछ नहीं, नमक नहीं। हम जंगल जाके हम लकड़ी लेके आए, हम वही बेचता है। किरासन तेल मिलता है? किरासन भी नहीं, एक बार भी नहीं, किरासन भी नहीं, हम लोग का पेंशन भी नहीं मिलता हम लोग का, तो ठीक नहीं। खेती बाड़ी के लिए देखिए आप, कुछ नहीं, हम लोग का
सबर का लिए ट्रैक्टर दो ठो है, लेकिन हम लोग का खेती बाड़ी में कुछ भी चास नहीं किया। पैसा मांगता है? बस होता है, पैसा मांगता है 100 रुपये, बोला 100 रुपये दीजिए और चास कर दिया। सिर्फ चावल ही आता है सर, और बाकी तेल उल? तेल उल नहीं, तेल उल नहीं मिलता है, चीनी भी नहीं, दाल भी नहीं। छोला सिर्फ एक महीना मिला था, वो भी एक केजी। चना दाल मिला है? चना दाल कुछ आदमी नहीं मिला है। किरासन तेल? किरासन भी नहीं मिलता। नमक? नमक मिलता है, नमक। और भाई बहुत दिन में जैसे अभी 5 साल, हाँ मैं 5 महीना के बाद मिलता है, महीना 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 प्रति महीना नहीं मिलता है।